नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल के जरिए सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक ही आवेदन कर सकते हैं। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। पैसे वापस नहीं मिलने पर निवेशकों ने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप करने की अपील की थी। 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक कर सकेंगे आवेदन। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ऊपर बताई गई पहली 3 सोसाइटीज के किसी भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया वो रिफंड के लिए एलिजिबल है। वहीं स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के 29 मार्च 2023 से पहले के निवेशक आवेदन कर सकते हैं। रिफंड पूरी करने की प्रोसेस ऐसी है। सबसे पहले पोर्टल पर जाएं। पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। आधार नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी आने पर दर्ज करें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें। दोबारा आधार और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी दर्ज करें। नियम और शर्तों को पढ़कर मैं सहमत हूं पर क्लिक करें। आपकी पूरी डिटेल जैसे बैंक का नाम, जन्मतिथि आ जाएगी। जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें। सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरनी होगी। कोई लोन लिया है या पार्शियल पेमेंट किया है तो ये बताना होगा। दावा राशि 50,000 से ज़्यादा है तो पैन कार्ड की डिटेल्स दें। एक ही बार दावा किया जा सकता है, इसलिए एक बार में ही सभी डिपॉजिट डिटेल्स भरें। वेरिफिकेशन के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करना होगा। इस पर अपनी नई फोटो चिपकाएं और साइन करें। अब इस दावा प्रपत्र को अपलोड कर जमा करना होगा। दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा। अब इस दावे को सहारा सोसाइटी 30 दिन के अंदर वेरीफाइड करेगी। फिर सरकारी अधिकारी अगले 15 दिन में इस कार्रवाई को पूरा करेंगे। अनुमोदन होने पर राशि सीधे आपके आधार से जुड़े अकाउंट में जमा की जाएगी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।